आगे बढ़ते हैं और अगली खबर दरअसल पंजाब से। देखिए, बच्चे का जन्म होने पर आंगन में किलकारियां गूंजती है, खुशियों का माहौल होता है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के घर में खुशी से ज्यादा उदासी का माहौल है, क्योंकि पंजाब की मां सरकार ने उनके घर पर एक लेटर भेज दिया। दरअसल दिवंगत सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 17 मार्च को 58 साल की उम्र में बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे का जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF के जरिए हुआ है, लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार को लेटर लिखकर रिपोर्ट मांगी है। लेटर में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट का हवाला दिया गया। इसमें बताया गया कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की मां यानी कि चरण कौर की उम्र 58 साल की है। इस तकनीक से प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दिया। केंद्र ने इसी नियम के उल्लंघन पर जाँच के बाद एक्शन के आदेश दिए और इसके मुताबिक चरण कौर सिंह की उम्र अब करीब 58 साल है और बलकौर सिंह की उम्र करीब 60 साल। स्वास्थ्य विभाग के नोटिस पर बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके बलकौर सिंह ने कहा कि प्रशासन बच्चे के लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश करने को लेकर बार बार परेशान कर रहा है।